नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जशोदा की रसोई। तो आज मम्मी बनाने जाने वाली है साउथ इंडियन स्टाइल फिश कड़ी। मम्मी ने पहले से ही हल्दी और नमक से फिश को मैरिनेट करके रख दिया है। साथ ही सामग्री में हमने लिया है हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, राय, गरम मसाला पाउडर, साथ ही दो हरी मिर्च कटी हुई, कड़ी पत्ता, धनिया, इमली का पल्प, टमेटो प्यूरे और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले से करके रखा हुआ है, और साथ ही में बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, उस तेल में हम हमारे फिश को फ्राई करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं मम्मी एक एक करके फिश के पीसेस को फ्राई कर रही है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा उसे एक थाली में निकाल के रख दीजिए साइड में। फिर उसी कढ़ाई में जिस तेल में थोड़ा और तेल एक्स्ट्रा डाल दीजिए और उसमें डालिए राय, जीरा, साथ ही साथ उसमें डालिए दो हरी मिर्च जो काटी थी, कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज। इन सभी को हल्का लाइट ब्राउन होने तक सौते कर लीजिए। आप जैसे देख सकते हैं हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट पकने के बाद एक बार और सौते करेंगे। फिर उसमें हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च एक छोटी चम्मच, डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब इन सारे मसालों को एक साथ मिला के पकाएंगे। तेज आंच पर इसे पकाएंगे हम। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। से तेज आंच पर पकाते रहिए। अब हम डालेंगे टमेटो प्यूरे अच्छे से, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक पकाएं जब तक मसाले ठीक से पक ना जाए और तेल ना छोड़ना लगे। आप देख सकते हैं जैसे कि मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब डालेंगे इसमें 2 कप पानी, हम अंदाजे से मम्मी डाल रही हैं। ग्रेवी उबलने के बाद हम उसमें डाल देंगे हमारे फिश जो हमने फ्राई किए थे। गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये जैसे कि मम्मी ने डाल दिया है इमली का पल्प। इमली का पल्प डाल के इन्होंने मिक्स कर दिया। अब ऊपर से धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ डाला और 2-3 अच्छी हरी मिर्च बीच में से स्लिट की हुई। अब हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब जैसे कि देख सकते हैं साउथ इंडियन फिश करी रेडी है। बस अब इसे आपको निकालना है प्लेट में
और आप इसे स्टीम राइस के साथ खा सकते हैं। देख सकते हैं हम कितना बढ़िया कलर आया है इसका। राइस के साथ बहुत टेस्टी लगता है ये फिश करी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना करें। तो ये आपका साउथ इंडियन फिश करी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।